समझते कि मरे हुए घोड़े को मछली लपेटी देखा, किसी सूखी खजूर की मूछें निकलते देखी, मतलब इसी मेंढक को मोटरसाइकिल चलाते देखा। नहीं ना, तो ऐसा करो किसी दिन हमारे घर आ जाओ। वो इलियास मुच्छड़ है ना, चाची का लफंगा भाई, आजकल सूरत में हमारे घर में डेरे डाले हुए, तो जहर लगता है कि बस दिल तो चाहता है किसी दिन चाय में जहर मिला के दे, या फिर किसी दिन खेतों में सांप छोड़ दूं। और कुछ शायद खालिश मिलता है हेलो कहाँ खोल हुए थे क्या क्या हुआ गलत हुआ सब कुछ बहुत गलत हुआ चाहिए क्या आपको पहले साहब का नाश्ता बना लेने दो हाँ क्यों बना रही है लाइन मुझे दे मैं बनाती हूँ नहीं तुम रहने दो वैसे भी इस घर में यह सूट तुम्ही ने बनाया है कि सब अपने अपने शोहर का काम करेंगे ईमान से शक्ल देखने वाली थी बच्ची की उस वक्त जब मैं और उस्मान भी मैदान में उतरा उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि बहू तो बहू बेटी भी शर्म करो है? है? मैं शर्म करूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी प्रेजेंस इस ड्रामे में सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस की थी मेन लीड तो तुम दोनों बहनों का और तुम्हारे इस चमचे का जिब्रान का था अब मुंह लटकाए क्यों बैठे हो जो तुम चाहते थे वो तो हो गया और ये सब तुमने इसलिए किया था ना ताकि तुम अब्बा जी को रियलाइज करा सको कि उनकी सोच कितनी इंतहा पसंद आना है कि अगर सगी बहनें चाहें तो आराम से घर के हालात खराब कर सकती हैं वैसे मेरी नीयत यही थी लेकिन अब मुझे खुशी नहीं हो रही मेरा दिल किसी बोझ तले दबा हुआ है मैंने कभी नहीं चाहा था कि अब्बा हाँ जिब्रान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कसम खुदा की मैं तो लोगों से नजर भी नहीं मिला पा रही पता मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग सुबह होते ही उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देते हैं और माफी मांग लेते हैं उन लोगों से अजीब आपसे एक बात करनी थी छोटी सी बस आज तक तुम लोग जो कुछ भी कहते रहे मैं सुनता रहा आज सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा और तुम सब मानोगे मैंने एक फैसला कर लिया लो एक और फैसला
बहुत शौक था ना तुम लोगों को अपनी अपनी जिंदगियां आसानी से गुजारने का। नफरत ही एक दूसरे की शक्ल से है। मैंने इस मसले को ही हल कर दिया। मैंने वकील को घर बुलवाकर वसीयत नामे के पेपर्स तैयार करवा लिए। सब ये क्या किया आपने? ये तो इसमें परेशान होने की क्या करूंगा फिर सब जा रहेगा। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, हम आजाद हो गए। अब्बा जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने वसीयत में तुम लोगों के हिस्से अलग अलग तुम्हारे नाम कर दिए। हाँ भाई अब अपना घर बनाओ और अपना कारोबार करो, खुशियां मनाओ, सुकून की जिंदगी गुजारो। बाकी रहा ये घर खाजा हाउस, तो मेरे और सबिया बेगम के लिए ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे बेचकर गांव जा रहे हैं। खाजा साहब ये क्या कर दिया आपने? आपको याद नहीं है कितने अरमानों से और खुशियों से हमने ये घर बनाया था? या बेगम आपको घर ज्यादा अमीर है या घर वाला? अब अजी मेरा ख्याल है कि आप अभी मेरे गुस्से में हैं, तो आप तहबुर से सोचिएगा इस बारे में। अब्बा जी प्लीज हम लोगों को कम से कम अपने आप से अलग तो ना करें। अब्बा जी मैं तो जी भर के इस घर में रही भी नहीं हूँ, प्लीज अब्बा जी। अब्बा जी आप मेरी बात ले लीजिए। अब्बा जी मैं नादिर को लाइन बना के सबको मुर्गा बना दो, इतना गुस्सा है मुझे। कभी आपको उन पे गुस्सा आता है, कभी आप उन पे हंसते हैं। इस पे मैं क्या बोलूं, क्या काम किया उन्होंने नालायकों ने? सुनो मेरी बात। फैसला बदल देना। मेरा फैसला है ये, तुम्हारी नजरें नहीं जो बदल जाए। अब बच्चे अब शर्मिंदा तो ना करें। अच्छा हमारा सर शर्म से झुका दो, कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें शर्मिंदा भी ना करूं। अच्छा कर ले, मार ले, ले, ले मैं देता हूँ आपको, उससे मार ले, लेकिन खुदा का वास्ता हमें अपनी सजा करना है। भाजी माफ कर दीजिए, बच्चे माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए ना। सोच लो अगर मेरा ये फैसला बदला तो वो दूसरा फैसला भी बदलेगा।